तो देखो भाई लोग, आज फाइनली हुंडई कंपनी ने न्यू जनरेशन वर्ना को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब आपको वर्ना के अंदर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे एक्सटीरियर में। इसका इंटीरियर भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और सेफ्टी के तौर पर आपको बहुत सारे नए फीचर्स हुंडई वर्ना के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं हुंडई वर्ना के बेस मॉडल के बारे में डिटेल में बात करूंगा, यानी इसका जो EX वेरियंट रहने वाला है उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है एक्सटीरियर में, इसका इंटीरियर कैसा रहेगा और सेफ्टी के तौर पर आपको बेस मॉडल के अंदर क्या फीचर्स मिलेंगे, इसकी ऑन रोड कीमत कितनी रहेगी, सब कुछ चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको हुंडई वर्ना का बेस मॉडल खरीदना है तो आपको देने पड़ेंगे 10,89,000 रुपीज। ये बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस रखी है हुंडई कंपनी ने। वही इसके टॉप मॉडल की एक्शन प्राइस 17,37,000 रुपीज तक चली जाती है। अगर मैं बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत की बात करूं तो यहां पर आपको लगभग 12,62,000 रुपीज देने पड़ेंगे बेस मॉडल को खरीदने के लिए। वही टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत 20,05,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड कीमत मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। तो यहाँ पर प्राइसेस आपके सामने है। यहाँ पर दो इंजन स्पेसिफिकेशंस आपको मिलने वाले हैं वर्ना के अंदर। हालांकि अब आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1.5 लीटर MPI पेट्रोल इंजन, जो कि आपको सभी वेरियंट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। और वर्ना के अंदर आपको एक नया टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि आपको सिर्फ टॉप मॉडल और सेकेंड टॉप मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूं तो इसका 1.5 लीटर 4 सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन लगभग 115 PS की पावर आउटपुट और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 160 PS की पावर आउटपुट और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। तो जिन लोगों को गाड़ी चलाने के मजे लेने हैं वो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ जा सकते हैं, और जिन लोगों को माइलेज चाहिए, थोड़ा सा परफॉर्मेंस चाहिए, वो लोग इसके नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ जा सकते हैं। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो प्रीवियस वर्ना के मुकाबले नई वर्ना के डायमेंशंस थोड़े से बढ़ाए गए हैं। इसकी लेंथ इंक्रीज करी गई है। आपको व्हील बेस इस सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको बूट स्पेस भी अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। न्यू वर्ना की लेंथ रखी गई है 4535 mm की, जो कि प्रीवियस वर्ना के मुकाबले 95 mm ज्यादा है। इसके अलावा न्यू वर्ना की वेट थे 1765 mm की, जो कि प्रीवियस वर्ना के मुकाबले लगभग 36 mm ज्यादा है। इसके अलावा 1465 mm की हाइट रखी गई है, जो कि प्रीवियस वर्ना के मुकाबले 10 mm कम है। तो यहाँ पर आपको लेंथ और विड्थ प्रीवियस वर्ना के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी और हाइट को 10 mm से घटाया गया है। वही अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो आपको नई वर्ना के अंदर 2670 mm का व्हील बेस मिलेगा और प्रीवियस वर्ना के अंदर 2600 mm का व्हील बेस दिया जाता था। तो यहाँ पर व्हील बेस के अंदर आपको लगभग 70 mm की इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये थे डायमेंशंस। यहाँ पर डायमेंशंस के हिसाब से आपको नई वरना प्रीवियस वरना के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी, यानी इसकी लेंथ विड्थ बढ़ाई गई है और इसका व्हील बेस भी आपको काफी बड़ा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है सेफ्टी फीचर्स। यानी आपको न्यू जनरेशन वरना के बेस मॉडल के अंदर कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेस मॉडल के अंदर हुंडई कंपनी ने 4 एयरबैग्स का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, जो कि अच्छी खासी बात है। इसके अलावा आपको ABS के साथ ABD ये फीचर मिलेगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑटो डीमिंग IRVM का फीचर आपको मिलेगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर डिफॉगर और ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स आपको बेस मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा फीचर चाहिए, अगर आपको ADAS टेक्नोलॉजी का ऑप्शन चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा टॉप एंड मॉडल। और हुंडई कंपनी ने ADAS टेक्नोलॉजी भी ऑफर करी है। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको बहुत सारे जबरदस्त फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, उसका एक अलग सा वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। अब यहाँ पर इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वरना का इंटीरियर काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है प्रीवियस मॉडल के मुकाबले। आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको ड्यूल टोन कलर का थीम देखने को मिल जाएगा। बेज और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है बेस मॉडल के अंदर, और यहाँ पर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम चीजें देखने को मिल जाएंगी। बेस मॉडल के अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का फीचर मिल जाएगा, यानी ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी मूवेबल हेडरेस्ट आपको दिए जाएंगे।
उसी के साथ आपको ऑल पावर विंडो का ऑप्शन बेस मॉडल के अंदर मिल जाएगा। मैनुअल फॉर्मेट के साथ इसके अंदर एसी ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि बेस मॉडल के अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैनुअल कंट्रोल के साथ आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको पावर स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन मिलने वाला है। उसी के साथ आपको यूएसबी टाइप सी के पोर्ट्स मिलेंगे, चार्जिंग के लिए मोबाइल फोन को आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये पोर्ट आपको फ्रंट में भी मिलेंगे और रियर पैसेंजर के लिए भी यूएसबी टाइप सी पोर्ट ऑफर करे है बेस मॉडल के अंदर। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM का ऑप्शन आपको मिलेगा, IRVM का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ये सभी फीचर आपको Hyundai Verna के बेस मॉडल के अंदर मिल जाएंगे जो कि है EX वेरिएंट। अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो भाई इसका फ्रंट का फीचर, रियर का फीचर और साइड का प्रोफाइल आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। काफी ज्यादा बदलाव करे है एक्सटीरियर में भी, और बेस मॉडल के एक्सटीरियर में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल जाएगा जो कि अच्छी खासी बात है। इसके अलावा फ्रंट में आपको ब्लैक क्रोम पैरामेट्रिक फ्रंट ग्रिल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी इसके फ्रंट फीचर में आपको काफी अट्रैक्टिव ग्रिल का सेटअप मिल जाएगा जो कि अच्छी खासी बात है। इसके जो ORVM रहेंगे वो आएंगे बॉडी कलर के साथ, फुल व्हील कवर का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट के साथ जाओगे तो वहां पर आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उस अलॉय व्हील का डिजाइन अच्छा नहीं लगा है। जो प्रीवियस मॉडल था वर्ना का, उसके अंदर जो अलॉय व्हील दिया जाता है उसका डिजाइन काफी लोगों को पसंद है। तो ये सभी चीजें आपको Hyundai Verna के बेस मॉडल के एक्सटीरियर में मिल जाएंगी। हालांकि इसका फ्रंट का फीचर भाई दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, और यहाँ पर आपको LED DRL का सेटअप नहीं मिलेगा। ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट में LED DRL का सेटअप मिल जाएगा जो कि काफी बड़ी लाइन बोनट के ऊपर प्रोवाइड करी है। तो ये छोटा सा वीडियो था Hyundai Verna के बेस मॉडल का। इसके बाद मैं सेकेंड बेस मॉडल को कवर करने की कोशिश करूंगा, टॉप मॉडल के अंदर कौन कौन से फीचर्स दिए जाते हैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा, और कंपैरिजन वीडियो भी लाऊंगा, यानी इस सेगमेंट के अंदर जितनी भी कार आती है उनका एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा, और 2022 में आपको कौन सी सेडान कार खरीदनी चाहिए उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में जरूर लाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।